बसमिल नंबर चोरी की सेकंड वीडियो हम ये डिस्कस करने लगे हैं जिसमें हम एम पढ़ रहे हैं एम नंबर थर्टी टू है नंबर एन हुज़ ओनली पॉजिटिव डिजर्स आर वन एंड एन इज़ कार्ड एक ऐसा नंबर जिसके पॉजिटिव डिवाइजर सिर्फ दो ही हों एक वन हो और एक एन हो तो ऐसा नंबर प्राइम नंबर होता है और चंद एक प्राइम नंबर जो हैं वो हैं टू थ्री फाइव सेवन एलेवन एंड अपू सोवन तो और ये इनफाइनाइट होते हैं ये कहीं ख़त्म नहीं हो रहे नंबर थर्टी थ्री द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़ अब देखें इन प्राइम नंबर्स में जो सबसे कम है वो टू है सो टू इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर अब एक और चीज़ भी देखें बाकी जितने भी प्राइम होंगे वो सारे ऑड होंगे जबकि टू इज़ द ओनली इवन प्राइम एंड ऑल द रिमेनिंग आर ऑड प्राइम्स नंबर थर्टी फोर इंटीजर विच इज़ नॉट अ प्राइम नॉर कंपोजिट। एक ऐसा नंबर जो प्राइम ना हो उसे कंपोजिट कहा जाता है लेकिन यहाँ क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर में पूछा गया कि इन चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा नंबर है जो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है तो वन जो है ये एक ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है टू जो है ये प्राइम है थ्री प्राइम है फोर कंपोजिट है नंबर थर्टी फाइव एवरी इंटीजर एन ग्रेटर देन वन हैज़ अब प्राइम डिवाइजर हर नंबर को कोई ना कोई प्राइम लाजमी डिवाइड करता है तो इट मीन उसका कोई ना कोई प्राइम डिवाइजर लाजमी होता है सो ऑप्शन ए राइट है वैसे यहाँ देखा जाए कंपोजिट डिवाइजर जरूरी नहीं कॉमन मल्टीपल भी होता है हर बल्कि सॉरी कॉमन मल्टीपल तो हमें दो के लिए बताना होगा तो प्राइम नंबर ऑप्शन ए ठीक है नंबर थर्टी सिक्स इफ़ पी इज़ अ प्राइम एंड पी डिवाइड ए बी अगर एक प्राइम दो नंबर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तो या तो वो पहले नंबर को डिवाइड करता है या दो दूसरे को करता है दोनों को भी कर सकता है जैसे ऑप्शन बी में कहा गया कि पी डिवाइड एंड पी डिवाइड बी तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों को करे किसी एक को कर सकता है या दोनों को भी कर सकता है लेकिन एंड की कंडीशन के साथ ये ट्रू नहीं होगा तो ऑप्शन ए जो है ये राइट ऑप्शन है नंबर थर्टी सेवन देर आर डैश नंबर ऑफ प्राइम्स यूक्लिड थ्योरम ये कहलाता है कि फाइनाइटली मैनी प्राइम हैं या इनफाइनाइट प्राइम हैं, काउंटेबल हैं या नन ऑफ दिस तो देखिए प्राइम्स जो हैं ये अभी तक एंड नहीं हुए काउंट नहीं किए जा सके और ये इन्फीनटली मैनी आगे की तरफ चलते जा रहे हैं एंडिंग प्राइम हमें नहीं पता कि कौन सा है और ये यूक्लिड ने प्रूव किया था कि ये नंबर ऑफ प्राइम जो हैं वो इनफाइनाइट होते हैं सो देर आर इन्फीनटली मैनी प्राइम्स नंबर थर्टी एट लेट एन अ ग्रेटर दैन वन बी कम्पोजिट नंबर दैन देर एग्जस्ट अ प्राइम पी सच देट पी डिवाइड एन एन अब देखिए हर नंबर का कोई ना कोई प्राइम डिवाइजर लाजमी होता है एन जो है ये कंपोजिट नंबर है तो देर एग्जिस्ट अ प्राइम एक प्राइम होगा जो उसको डिवाइड करेगा लेकिन वो प्राइम किस तरह का होगा इन में से बात की जाए तो ये एक रिज़ल्ट है कि वो प्राइम सके रूट ऑफ एन से लेस और उसके इक्वल हो सकता है देखिए ये बड़ा एक अच्छा तरीका है ये चेक करने का कि क्या कोई नंबर प्राइम है या नहीं है तो देखिए अगर हम ये चेक करना चाहें कि क्या वन जीरो वन जो है ये प्राइम है या नहीं है तो उसके लिए ये किया जाता है कि उसका सके रूट लिया जाता है जो अप्रोक्सीमेटली है टेन के अब टेन से जो छोटे नंबर हैं जितने भी प्राइम हैं सिर्फ उनको चेक कर लिया जाए कि क्या वो वन जीरो वन को डिवाइड करते हैं अगर टेन से छोटा कोई भी प्राइम वन ज़ीरो वन को डिवाइड नहीं करेगा तो वो नंबर जो एन है वो कंपोजिट नहीं होगा अगर वो कंपोजिट हो तो ज़रूरी है कि टेन से लेस कोई एक ऐसा नंबर हो यानी उसके सके रूट से लेस कोई एक ऐसा प्राइम लाजमी होगा जो उसको डिवाइड करेगा तो यहाँ हम ये यह कह सकते हैं कि ऑप्शन ए इज़ राइट ऑप्शन नंबर थर्टी नाइन एवरी इंटीजर n ग्रेटर देन वन कैन बी रिप्रेजेंटेड यूनिकली एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स इसे कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कि हर जो भी पॉजिटिव इंटीजर है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल है बेसिकली यहाँ यही कहा गया कि प्राइम फैक्टराइजेशन। फॉर एग्जांपल 48 है तो 48 को हम लिख सकते हैं टू टाइम्स ट्वेंटी फोर टू टाइम्स ट्वेल्व टू टाइम्स सिक्स टू टाइम्स थ्री तो 48 को लिखा जाएगा टू इंटू टू इंटू टू टू एंड थ्री सो दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ़ प्राइम्स और इसको यूं भी लिख सकते हैं टू पावर फोर इन टू थ्री सो बेसिकली इसके दो प्राइम डिवाइजर हैं टू और थ्री नंबर फोर्टी फॉर एन ग्रेटर देन ज़ीरो द नंबर ऑफ द फॉर्म टू पावर टू पावर एन प्लस वन आर कार्ड फॉर एग्जाम्पल इसमें हम एन को वन पुट करें तो ये एक नंबर मिलेगा टू पावर टू पावर वन प्लस वन सो टू पावर टू फोर प्लस वन दैट इज़ फाइव तो ऐसे जो नंबर हैं इनको कहा जाता है फर्मे नंबर्स फर्मे ने इस तरह के नंबर डिराइव किए थे तो हम ये कह सकते हैं कि पहला जो फर्मे नंबर है वो फाइव है इसी तरह एन को टू पुट करने से टू पावर टू फोर और टू पावर फोर सिक्सटीन प्लस वन सेवनटीन जो सेकंड फर्मे नंबर है वो सेवनटीन है एनी टू फर्मे नंबर आर आ, कोई से दो फर्मे नंबर देखे जाए जैसे आप देखें सेवनटीन और फाइव ये को प्राइम है रेलेटिवली प्राइम या प्राइम टू इच अदर कहा जा सकता है ऑप्शन बी इज राइट नेक्स्ट नंबर फोर्टी टू फॉर एन ग्रेटर देन जीरो द नंबर्स ऑफ द फॉर्म एम एन इक्वल टू पावर एन माइनस वन आर कॉल्ड। अगर हम इसमें एन को वन पुट करें तो ये बनेगा वन एन को अगर हम टू पुट करें तो फोर माइनस वन थ्री एन को थ्री पुट करने से एट माइनस वन सेवन फोर पुट करने से ये होगा टू पावर सिक्सटीन माइनस वन दैट इज 2 तो पावर फोर सिक्सटीन माइनस वन फिफ्टीन एंड सो ऑन तो इस तरह के नंबर्स को कहते हैं मरसेंट नंबर्स अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि ये सारे मरसेंट नंबर प्राइम भी हों जैसे आप देख सकते हैं कि एन को वन पुट करने से हमें मिला वन एन को टू पुट करने से मिला थ्री एन को थ्री पुट करने से मिला सेवन एन को फोर पुट करने से मिला फिफ्टीन अब इसमें से ये प्राइम सॉरी ये प्राइम है ये भी प्राइम है जबकि ये प्राइम नहीं है तो जरूरी नहीं होता कि मरसन नंबर्स सारे ही प्राइम हों जैसे नंबर फोर्टी थ्री में ये डिस्कस किया गया कि इफ़ एम एन इज़ प्राइम इफ मरसन नंबर इज़ प्राइम देन एन इज़ देखिए यहाँ अगर ये प्राइम है तो ऊपर जो एन है ये भी प्राइम है ये सेवन अगर प्राइम है तो एन भी प्राइम है ये फिफ्टीन प्राइम नहीं है तो एन भी प्राइम नहीं है तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि इफ़ मरसन नंबर एम एन इज़ प्राइम देन एन इज़ आल्सो प्राइम ओके एक रिजल्ट भी है नंबर फोर्टी फोर गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर एन टा ऑफ एन या फिर इसे कहते हैं डी ऑफ एन डी ऑफ एन डिनोट्स द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन के किसी भी नंबर के लिए हम ये एक और नंबर फाइंड करते हैं जिसे डी ऑफ एन या टा ऑफ एन से डिनोट किया जाता है जो कि हमें बताता है कि उस नंबर के पॉजिटिव डिवाइजर कितने हैं ओके गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर एन सिग्मा ऑफ एन डिनोट्स द सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन कि उसके वो जो पॉजिटिव डिवाइजर्स होते हैं उनका जो सम है वो भी एक नंबर है उसको हम सिग्मा ऑफ एन से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको फाइंड करने का जो प्रोसीजर है टा ऑफ एन डिवाइजर्स जो हैं बेसिकली हमें बताता है कि हाउ मेनी डिवाइजर्स आर सो समेशन डी डिवाइड एन ऑफ वन इट मीन वन एक बार होगा जब एक डिवाइजर होगा फिर दूसरे डिवाइजर के लिए एक और वन प्लस इस तरह से इट मीन हमें एक ऐसा नंबर मिलने जा रहा है जो हमें ये बताएगा कि हाउ मेनी सो ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है पर नंबर ऑफ जो है है ये हमें बताता है कि उन डिवाइजर्स का सम क्या है तो अगर हम यहाँ डी पुट करते चले जाएं पहला डी पुट करें फिर प्लस करें और दूसरा डी पुट करें इस तरह सारे डिवाइजर्स ऐड हो जाएंगे तो यहाँ राइट ऑप्शन बी है यहां देखिए टा ऑफ एन ये फाइंड करने को कहा गया है तो टा ऑफ एन मीन द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन तो टेन के जो डिवाइजर्स हैं पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन टेन आर कौन कौन से हैं जी एक वन है एक टू है एक फाइव है और एक टेन इट सेल्फ है तो ये चार ही हैं सिर्फ तो हम ये कहेंगे कि टा ऑफ एन इज इक्वल टू फोर सो ऑप्शन बी एंड सिग्मा ऑफ एन सिग्मा ऑफ टेन मीन द सम ऑफ डिवाइजर्स तो यहाँ हम वन प्लस टू प्लस फाइव प्लस टेन करने जा रहे हैं तो इस तरह से हमें ये मिलेगा वन प्लस टू थ्री प्लस फाइव एट प्लस टेन विच इज एटीन तो एक बात ये भी पता चली कि जो नंबर है जिसका सिग्मा लिया जा रहा है सिग्मा की वैल्यू उस नंबर से ज़्यादा भी हो सकती है जैसे यहाँ टेन का सिग्मा लिया जा रहा है जबकि आंसर एटीन है द सम ऑफ डिवाइस पॉजिटिव डिवाइसेस अब यहाँ एक जनरल रूल है कि इफ़ एन इक्वल हो पी वन पावर के वन पी टू पावर के टू अपन पी के पावर आर के इट मीन उस नंबर एन की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी गई देन टा ऑफ एन इक्वल होगा तो वो एक फार्मूला है कि के प्लस वन ये जो पी वन की पावर है के वन उसमें वन ऐड करें फिर मल्टीप्लाई करें के टू की पावर में वन ऐड करके एंड सो ऑन के आर की पावर पी पी आर की पावर में भी के आर को ऐड करके और के आर प्लस वन को ऐड मल्टीप्लाई कर दें उन सबको तो हमें ये नंबर मिलता है जैसे देखें टा ऑफ वन फाइंड करने के लिए कहा गया है तो इसको हम यहाँ अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि वन की हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे टू नाइन्टी 180, वन एटी टू फोर्टी फाइव 45 नाइन्टी थ्री फिफ्टीन जर फोटी फाइव एंड थ्री फाइव ज़ार फिफ्टीन ओके सो वन एटी विल बी रिटर्न एज टू पावर टू इंटू थ्री पावर टू इंटू फाइव अब आप यहाँ ये देख सकते हैं कि पहला प्राइम टू है दूसरा प्राइम थ्री और तीसरा प्राइम फाइव है फाइव की पावर वन है टू की पावर टू थ्री पावर टू सो टा ऑफ वन एटी इक्वल होगा पहली पावर इसमें वन ऐड करेंगे टू प्लस वन मल्टीप्लाई विद दूसरी पावर और वन ऐड करेंगे सो टू प्लस वन और फिर मल्टीप्लाई विद तीसरी पावर के साथ भी वन ऐड करेंगे वन प्लस वन सो ये इक्वल होगा थ्री इंटू थ्री इंटू टू थ्री थ्री इजार नाइन टू ज़ार एटीन सोटा ऑफ वन एटी इज इक्वल टू एटी इसको ऐसे ना समझा जाए कि वन एटी या टू जीरो कैंसिल हो जाए ओके नंबर फिफ्टी टू इफ एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर सच सिग्मा ऑफ़ इज़ इक्वल टू टू एन एक ऐसा नंबर जिसके पॉजिटिव डिवाइज़र्स का सम उस नंबर का डबल हो तो उस नंबर को कहते हैं परफेक्ट नंबर ओके ये डेफिनेशन है नंबर फिफ्टी थ्री इफ़ एम इज़ अ फिक्सड पॉजिटिव इंटीजियर देन एन इंटीजियर ए इज़ कॉन्ग्रेंट टू एन इंटीजियर बी मॉडुलो एम रिटर्न एज ए इज़ कॉन्ग्रेंट टू बी मॉड एम इफ़ अब देखिए मॉड की डेफिनेशन ये है कि a कांग्रेट b मॉड m तब होता है जब m डिवाइड करता है a माइनस बी को अब अगर m a माइनस बी को डिवाइड करता है तो डेफिनेटली m डिवाइड करेगा b माइनस ए को भी क्योंकि एक नंबर अगर किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करता है तो वो उसके नेगेटिव को भी डिवाइड करता है तो यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन हैं बी एंड सी सो राइट ऑप्शन इज डी कांग्रेस इज इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन जी इक्विवेलेंस रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जो रिफ्लेक्सिव भी हो यानी हम ये कह सकते हैं कि एवरी नंबर इज कांग्रेंट विद इट सेल्फ ए इज़ कांग्रेंट टू ए एम फॉर आल ए इसी तरह दूसरी कंडीशन उसमें होती है कि वो रिलेशन सिमेट्रिक होना चाहिए सिमेट्रिक मेन इफ़ ए इज़ कॉन्ग्रेंट टू बी मॉडर्म दे दिस इम्प्लाइज दैट बी इज़ कॉन्ग्रेंट टू ए मॉडर्म ये हो गए समिट्रिक रिलेशन और लास्ट में होता है ट्रांजटिव रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन ये है कि अगर ए कांग्रेन हो बी के मॉडर्म एंड बी इज़ कॉन्ग्रेंट टू सी मॉडर्म देन इज दैट ए इज कॉन्ग्रेंट ट रिलेशन जो रिफ्लैक्सिव भी हो सीमेट्रिक भी, भी हो ट्रांटिव भी हो उसे कहते हैं तो ये जो कांग्रेस है नंबर फिफ्टी फाइव इफ लेट ए बी बिलोंग टू सी दो इंटीजर हैं सेम रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन बाई एम के अगर इनका रिमाइंडर सेम हो तो हम ये कहते हैं कि ये कांग्रेट है ओके नंबर फिफ्टी सिक्स इफ ए इज़ कॉन्ग्रेंट टू बी मॉडर्म एंड सी इज कॉन्ग्रेंट टू डी मॉडर्म देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट गलत है अब देखें कॉन्ग्रेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि ए कांग्रेट बी मॉडर्म हो और सी कॉन्ग्रेंट डी मॉडर्म हो तो हम लिख सकते हैं ए प्लस सी इज कॉन्ग्रेंट टू बी प्लस डी मॉडर्म तो ये ठीक है इसी तरह हम उनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं बेसिकली ये जो कांग्रेस है ये कुछ कुछ इक्वलिटी की तरह से इसे ट्रीट किया जाना चाहिए तो ये वैसे ही है कि अगर आप एक इक्वेशन में ऐड कर दें मल्टीप्लाई कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसी तरह एक नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया जाए दोनों साइडों से तो फिर भी वो ठीक है तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है सो नन ऑफ दिस इज़ द राइट ऑप्शन देखें ये चंद एक नेक्स्ट जो एम हैं ये मैंने इसलिए बनाए हैं ताकि कांग्रेस की प्रॉपर्टीज थोड़ी सी रिवाइज हो जाए नंबर 57 सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इफ ए इज कॉन्ग्रेंट टू बी मॉडम देन ए पावर एन इज़ कॉन्ग्रेंट टू बी पावर एन मॉड एम ये एक प्रॉपर्टी है ये ठीक है अगर एन ए कांग्रेन हो एन बी मॉड एम और ज़रूरी है कि अगर एन और एम का जी सी डी वन हो तो फिर हम सॉरी अगर जी सी डी डी हो तो हम इसे लिख सकते हैं ए इज़ कॉन्ग्रेंट टू बी मॉड एन ओवर डी ऊपर आपने देखा कि हम किसी सी में हम हर नंबर को यानी दोनों साइडों पे एक इंटीजर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं मॉड को छेड़े बगैर लेकिन मॉड को छेड़े बगैर यहाँ पर हम कैंसलेशन नहीं कर सकते ये कांग्रेस की प्रॉपर्टी है कि अगर आप यहाँ से इस एन को कैंसिल करेंगे तो फिर एन और एम के जी से एम को डिवाइड भी करेंगे जैसे यहाँ पर किया गया ये ट्रू है इसी तरह n और m अगर इनका gcd सी वन होगा तो फिर m डिस्टर्ब नहीं होगा बिकॉज m ओवर वन इज़ आल्सो m सो दैन ए इज़ कॉन्ग्रेन टू बी मॉडर्न ये बी राइट है सो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन आर ट्रू तो ये इन फिफ्टी सिक्स और फिफ्टी सेवन में हमारे पास टोटल सिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रेट दी गई हैं नंबर फिफ्टी एट फाइव ऑफ एन इज इक्वल टू एन माइनस वन ईफ एन ओनली अब देखें पहले ये समझ लें कि फाइव ऑफ एन होता क्या है फाइव ऑफ एन हमें ये बताता है कि फाइव ऑफ एन इज़ द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू एन बल्कि हाँ लेस देन और इक्वल टू एन सच दैट इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एम लेस देन और इक्वल टू एन सच दैट जीसीडी ऑफ एम एंड एन इज इक्वल टू वन यूँ कह लें कि ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स जो एन या एन से सम्भालर हो और उनका एन के साथ जी सी डी वन हो यानी रिलेटिवली प्राइम हो तो अगर एन खुद एक प्राइम नंबर हो तो फिर उसके उससे छोटे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो सारे ही उसके साथ रिलेटिवली प्राइम होते हैं फॉर एग्जांपल आप फ़ाइव ही देखें तो फाइव के साथ रिलेटिवली प्राइम जो हैं फाइव ऑफ फाइव में बेसिकली फाइव हमें बताता है उसकी तादाद कितनी है और कौन कौन से फाइव फाइव के साथ रिलेटिवली प्राइम है वो एक वन है एक टू है एक थ्री है और एक फोर है तो ये चारों जो हैं ये फाइव के साथ रिलेटिवली प्राइम है सो वी कैन से फाइव ऑफ फाइव इज इक्वल टू फोर तो यहाँ पर यही कहा गया कि फाइव ऑफ एन इज़ इक्वल टू एन माइनस वन इफ़ एंड ओनली इफ एन इज़ अ प्राइम नंबर ओके नंबर फिफ्टी नाइन है पी माइनस वन होल फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रेंट टू माइनस वन मॉड पी इफ एंड ओनली इफ पी इज़ प्राइम ये एक थ्योरम है जिसे विल्सन थ्योरम के नाम से देखा जा सकता है ये उसकी स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट ये थ्योरम हमारे लिए इसलिए भी यूजफुल होता है कि इसकी मदद से हम किसी भी नंबर को प्राइम भी शो कर सकते हैं नंबर सिक्सटी है कि फॉर ए बी बिलोंग टू जी के दो इंटीजर्स हैं ए पावर फाइव ऑफ एम कॉन्ग्रेंट होगा वन मॉड एम इफ एंड ओनली इफ ए एंड एम आर रिलेटिवली प्राइम ये भी एक थ्योरम की स्टेटमेंट है एंड नंबर सिक्सटी वन जो कि लास्ट है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ ट्रू कि इनमें से कौन सा रिलेशन ट्रू है इफ़ एम एंड एन सॉरी यहाँ थोड़ी मिस्टेक हुई है एम एंड एन इज़ इक्वल टू वन कि अगर एम ओर एन रिलेटिवली प्राइम हो दैन फाइव ऑफ एम एन इज़ इक्वल टू फाइव ऑफ एम फाइव ऑफ एन ये ट्रू है एक ऐसा फंक्शन जो इस कंडीशन को सेटिसफाई कर रहा हो उसे मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन कहा जाता है तो फाइ जो है वो अगर एम और एन रिलेटिवली प्राइम हो तो फाइ एक मल्टीप्लीकेटिव फन है ओके नंबर बी इफ़ एम इज़ इक्वल टू पी वन पावर के वन पी टू पावर के टू एंड अपू सन पी आर पावर के आर देन फाइव ऑफ एम इज़ इक्वल टू एम टाइम वन माइनस वन ओवर पी वन वन माइनस वन ओवर पी टू एंड अपू सन वन माइनस वन ओवर पी आर कि अगर आपके पास एक प्राइम नंबर कोई भी एक नंबर आपके पास मौजूद है आप सबसे पहले उसकी प्राइम फैक्ट्राइजेशन कर लें तो फाइव ऑफ एम इस तरह से फाइंड किया जा सकता है ये उसका बेसिक रूल है इसी तरह नंबर सी में फाइव ऑफ थ्री सेवेंटी टू फाइंड करने के लिए इसको हम देखते हैं ज़रा थ्री सेवेंटी टू की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हम इसे लिख सकते हैं टू वन ज़ार टू टू एट ज़ार सिक्सटीन टू सिक्स आर ट्वेल्व ओके टू नाइन ज़ार एटीन एंड टू थ्री ज़ार सिक्स थ्री थ्री ज़ार नाइन एंड थ्री वन ज़ार थ्री तो ये आई थिंक थर्टी वन प्राइम ही है ये फर्दर नहीं हो सकता तो हम लिखेंगे थ्री सेवनटी टू इज़ इक्वल टू टू पावर टू इंटू थ्री पावर वन इंटू थर्टी वन पावर वन अब इसके फाइव फाइंड करने का प्रोसीजर जो है जो यहाँ हम देख चुके हैं कि जो पहला प्राइम है फाइव ऑफ थ्री सेवनटी टू इक्वल होगा टोटल नंबर थ्री सेवनटी टू इंटू वन माइनस वन ओवर फर्स्ट प्राइम विच इज़ टू वन माइनस वन ओवर सेकेंड प्राइम विच इज़ थ्री एंड वन माइनस वन ओवर थर्ड प्राइम विच इज़ थर्टी वन सो ये इक्वल होगा थ्री सेवेंटी टू इंटू टू माइनस वन वन ओवर टू थ्री माइनस वन ओवर थ्री मेन टू ओवर थ्री एंड थर्टी वन माइनस वन डेट इज़ थर्टी होल डिवाइडेड बाय थर्टी वन ये थ्री टू है तो ये कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आंसर आता है वन ट्वेंटी तो ये भी राइट है इट मीन ऑल ऑफ दीज ऑप्शन आर ट्रू तो यहाँ हम नंबर थोड़ी का पोर्शन एंड कर रहे हैं uh, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं थैंक यू